रानीगंज के हलचल भरे शहर में सिम्बा नाम का एक युवा शेर का बच्चा रहता था। अधिकांश शेर शावकों के विपरीत जो अपनी बहादुरी और निर्भीकता के लिए जाने जाते थे, सिम्बा थोड़ा अलग था। वह विचारशील, जिज्ञासु और सतर्क था। वह नए अनुभव में कूदने के बजाय निरीक्षण करना पसंद करता था। उसके दोस्त उससे प्यार करते थे, लेकिन वे अक्सर उसे झिझकने और जोखिम लेने से डर के लिए चिढ़ाते थे। इससे सिम्बा काफी निराश और परेशान रहता था। उसे समझ नहीं आता था कि वह अपने झिझक और डर पर कैसे काबू पा सके। एक धूप भरी दोपहर में जब सिम्बा और उसके दोस्त विशाल रानीगंज के जंगल के किनारे पर खेल रहे थे, वे सभी एक चौड़ी चमचमाती नदी के पार पहुंच गए। नदी के दूसरी ओर सबसे ऊंचा, सबसे शानदार पेड़ था जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस पेड़ की शाखाओं पर बहुत ही रसीले, स्वादिष्ट पके हुए फल लगे हुए थे। पेड़ को देखकर हर किसी के मुंह में पानी आ गया, सबका मन ललचा गया। सब उस पेड़ की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे। हर कोई उस पेड़ के फलों को चखना चाहता था। तभी उनमें से एक शरारती बंदर चिंटू चिल्लाया, मुझे यकीन है कि किसी ने भी पहले कभी उन स्वादिष्ट फलों को नहीं चखा होगा। चलो हम सब उन फलों पर टूट पड़े, आज तो हम उन स्वादिष्ट रसीले फलों पर खा कर ही रहेंगे। तभी एक कोमल हिरण लिली ने पूछा, लेकिन हम नदी पार कैसे करेंगे? पानी बहुत गहरा है और नदी पर कोई पुल भी नहीं है जिसकी सहायता से हम नदी के उस पार जाकर स्वादिष्ट मीठे ताजे फलों का स्वाद चख सके। चिंटू, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, उसने नदी के आधे रास्ते में बाहर निकली एक बड़ी चट्टान की ओर इशारा किया और उसने कहा, हम यहाँ से उस चट्टान तक और फिर दूसरी तरफ छलांग लगा सकते हैं, यह आसान है। तभी एक एक करके सिम्बा के सभी दोस्तों ने छलांग लगाई। सभी दोस्त चट्टान पर सुरक्षित रूप से उतरे और फिर नदी के दूसरी ओर पहुँच गए। सिम्बा ने देखा कि वे खुशी से झूम रहे थे और पेड़ से स्वादिष्ट फल तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब सिम्बा की कूदने की बारी आई तो वह झिझक गया। क्या हुआ सिम्बा? चिंटू ने जोर से पुकारा, यह सिर्फ एक छलांग है, तुम यह कर सकते हो। सिम्बा ने नीचे तेजी से बहते पानी को देखा और उसे पेट में भय की गांठ महसूस हुई। यदि वह चट्टान से चूक गया तो क्या होगा? अगर वह फिसल कर पानी में गिर गया तो क्या होगा? उसका मन संदेह से भर गया था और वह छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। लेकिन अंदर से सिम्बा पीछे नहीं रहना चाहता था। वह हमेशा सुरक्षित पक्ष में रहने वाला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था। वह जानता था कि उसे बहादुर बनना होगा, भले ही उसे डर लगे। उसने एक गहरी सांस ली और उसे याद आया कि उसके पिता बुद्धिमान बूढ़े शेर हमेशा उससे कहा करते थे, साहस का मतलब डरना नहीं है, यह आपके डर का सामना करने और वह करने के बारे में है जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। अपने पिता के शब्द दिमाग में गूंजते हुए सिम्बा एक कदम पीछे हट गया, अपनी आंखें बंद कर ली और पूरी ताकत से छलांग लगा दी। जैसे ही वह हवा में उड़ रहा था, हवा उसके पास से गुजर रही थी। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था और फिर धड़ाम से वह एकदम संतुलित होकर चट्टान पर जा गिरा। सिम्बा की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। उसने यह किया था। उसके दोस्तों ने दूसरी तरफ से जोर जोर से जयकार के नारे लगाए और उसे अंतिम छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। अब नए आत्मविश्वास से भरकर सिम्बा ने फिर से छलांग लगाई और इससे पहले कि उसे पता चलता, वह अपने दोस्तों से घिरा हुआ था, नदी के दूसरी तरफ सुरक्षित खड़ा था। चिंटू ने सिम्बा से कहा, मुझे पता था तुम यह कर सकते हो। और चिंटू ने सिम्बा को एक स्वादिष्ट फल दिया। सिम्बा खुशी से फूला नहीं समा रहा था। जैसे ही सिम्बा ने रसदार फल खाया, उसे एहसास हुआ कि सबसे मीठा इनाम सिर्फ फल का स्वाद नहीं था, बल्कि वह डर बहुत खुशी थी जिसे उसने अंदर महसूस किया था। उसने अपने डर का सामना किया था और विश्वास की छलांग लगाई थी, और ऐसा करने पर उसे एक ऐसी ताकत का पता चला जिसके बारे में वह नहीं जानता था कि वह उसके पास है। उस दिन के बाद से जब भी सिम्बा को किसी चुनौती का सामना करना पड़ा, उसे नदी पार की छलांग याद आ गई। उसने सीखा, कभी कभी असंभव को हासिल करने के लिए बस अपने आप पर थोड़ा सा विश्वास करना पड़ता है। और जबकि सिम्बा अभी भी विचारशील और सतर्क था, वह अब जोखिम लेने और नई चीजों को आजमाने से नहीं डरता था। रानीगंज के अन्य जानवर सिम्बा की ओर देखने लगे, न केवल उसकी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि उसके शान साहस के लिए। वह अपने दोस्तों के बीच एक नेता बन गया था और उन्हें हमेशा जरूरत पड़ने पर विश्वास की छलांग लगाने के लिए प्रोत्साहित करता था। और इसलिए सिम्बा की छलांग सिर्फ एक नदी पार की छलांग नहीं थी, यह साहस और आत्मविश्वास की दुनिया में एक छलांग थी, एक सबक जो जीवन भर उसके साथ रहा।